मैं पहले से ही आप सबसे माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि आई नो मैं इस तरह की वीडियोस बनाने में थोड़ा बदनाम हूँ, मगर फिर भी यस देर आए दुरुस्त आए। जहाँ मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया कहना चाहूँगा कि भाई 2 मिलियन उन 20 लाख लोगों का भाई जिन्होंने मेरे पे विश्वास दिखाया कि हाँ ये लौंडा अच्छा लग रहा है, इसको सब्सक्राइब करते हैं। मैं इस तरह की वीडियो जल्दी बनाता नहीं हूँ क्योंकि थोड़ा सेंटिमेंटल माहौल हो जाता है, कुछ पुरानी चीज़ें याद आ जाती हैं, कुछ खुशी की यादें आती हैं, कुछ तकलीफ़ की भी आती हैं जो पीछे छोड़ गया। खैर इसी सितंबर मैं 23 साल का हो जाऊंगा, जहां मैं कह सकता हूं इस पूरे यूट्यूब जर्नी के दौरान में आप सब ने मुझे एक नौसिखिए टीनेजर से एक ग्रोन एस अडल्ट होते हुए देखा है, एंड उसी के बीच में मैंने इतनी सारी चीज़ें देखी, इतने लोगों से मिला, इतनी गलतियां की, एंड फिर भी तुमने अपना विश्वास मुझ में दिखाया, मुझे अभी तक देख ही रहे हो। भाई काफ़ी दिमाग उड़ा देने वाला ख्याल है, जो कि भाई मैं सोचता रहता हूँ कभी कभी कि भाई मेरे अंदर क्या एक्चुअल सी ऐसी बात है कि जो मुझे लोगों से अलग करती है। इन डेप्थ कॉमिक की नॉलेज देखनी है तो भाई मोहित और अमन के अच्छे से चैनल हैं, मज़ेदार रिव्यूज़ देखने हैं तो भाई वो अपना बादल लैंड सूरज कुमार के रिव्यूज़ देख सकते हो, सफिस्टिकेटेड रिव्यूज़ देखने हैं तो भाई जैमी एंड सोशल के रिव्यूज़ तुम देख सकते हो। मेरे अंदर क्या ही बात है कि भाई लोगों ने मुझको अभी तक देखा, जो कि आज तक मैं वो बात तलाश करते रहता हूँ कि वो क्या ही वाव फैक्टर है मेरे अंदर जिसकी वजह से अभी तक लोगों ने यह भरोसा अपना बना के रखा हुआ है। एंड आई थिंक इसका बेटर आंसर तुम ही दे सकोगे, इसके लिए मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहूंगा। एंड मैं जानता हूँ कि भाई वो थैंक यू कहना भी काफी नहीं होगा क्योंकि भाई तुम सब ने, वो हर एक एक शख्स ने देख के एक्चुअल मेरी जिंदगी बदली है। और ये कोई भी छोटी बात नहीं होती है कि एक बंदा मूवीज को देखकर अपनी जिंदगी अच्छे से जी रहा है, अपनी फैमिली के मेडिकल एक्सपेंसेस मैं हैंडल कर पा रहा हूँ ऑल थैंक्स टू यू, अपनी बहनों के एजुकेशन को मैं हेल्प कर पा रहा हूँ ऑल थैंक्स टू यू, जिसके ऊपर से आगे और ख्वाब ही क्या है, अपने लोगों को एक बेहतर जिंदगी देना। एंड आई थिंक मेरा पर्पज ही यही रहा है पिछले 2-2.5 सालों से, जहाँ मैंने सोचा था कि भाई अपने सेटअप में थोड़े से चेंजेस करते हुए बैकग्राउंड में थोड़ा सा एक अलग चेंज करूंगा। खैर अब वो क्या एक सॉलिड कलर ही रहेगा ताकि वो सिंप्लिसिटी बरकरार रहे एंड और भी कलर्स को ऐसे बीच में डाल सकूं, क्योंकि पर्सनली मैं ये खुद मानता हूँ, ये चीज़ मैंने समय के साथ सीखी है कि किसी के बैकग्राउंड से किसी भी शख्स की उसकी आइडेंटिटी के बारे में बहुत अच्छे से पता चलता है। एंड ईमानदारी से बताऊँ तो तुम सबको मैंने बताया नहीं है कि भाई मेरी आइडेंटिटी क्या है, क्योंकि सही मायनों में मुझे शर्म आती है जिस तरह से मैं रहता हूँ, कि मैं भी YouTube पे देखता हूँ, Instagram पे लोगों के फैंसी चीज़ों को देखता रहता हूँ, तो और फिर जब मैं खुद को देखता हूँ तो मैं पाता हूँ कि भाई मेरे पास तो था ही नहीं कभी, क्योंकि उसमें से हाल ही में जब मैंने कमरा बनवाया हुआ था तो मेरे पास फर्नीचर भी नहीं थे ढंग के, फिर पापा ने बोला कि नहीं नहीं कमरे में या स्टोरेज की जगह चाहिए तो बाकी फर्नीचर बनवाया। क्योंकि पता नहीं वो पर्सनली अगर खुद पे अगर सर्वाइव करने की बात आती है तो मैं बहुत ज़्यादा उस पर फैंसी नहीं जाता, क्योंकि वो अच्छा लगता है देखने में, लेकिन मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन पर्सनली चाहूँ कि भाई बड़ा राजशाही करके रखूँ तो आई डोंट थिंक कि मैं उस तरीके का इंसान हूँ। मैट्रेस एक टेबल रख जाए मिल जाए मेरा काम हो जाएगा। एंड भाई ये भी मैं क्या ही सारी बातें कर रहा हूँ, वीडियो का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तुम भी बोर हो रहे होगे, मगर खैर मैंने सोचा कि तुम लोग ये बात जानना तो डिजर्व करते ही हो कि भाई एक्चुअल पीजे कैसा है, प्रियांशु कैसा है, क्योंकि अभी जो कुछ भी मेरे पास है वो एक्चुअली मैं तुम ही लोग हूँ, जो मेरे एक्चुअल दोस्त थे वो सब बाहर जा चुके हैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करने कमाने के लिए, एंड जो मेरा पूरा दिन बीतता है उठ के मूवीज़ देखना, गेम्स भी अभी बहुत कम खेल रहा हूँ, पॉप कल्चर में लीन हो के वीडियोस बनाते रहना एंड जिम जाना शाम में, क्योंकि वही मेरा थोड़ा सा सोशल इंटरेक्शन हो जाता है, एंड जिम इज़ वन ऑफ माय मेन रीजंस ताकि मैं लोगों से सोशलाइज हो सकूँ। बीच में थोड़ा सा कुकिंग भी शुरू किया हुआ था मगर गर्मी इतनी पड़ रही थी कि छोड़ ही दिया, ठंड में थोड़ा सा चालू करूँगा। एंड आई थिंक उसको पॉप कल्चर मैंने सोचा था कि एक इंटीग्रेट करते हुए कुछ मे बी वीडियोज़ और रील्स शॉर्ट्स को भी बनाने की कोशिश कर सकते हैं। खैर गर्मी की वजह से मैंने भी उसके बारे में नहीं सोचा। एंड इसके ऊपर से अगर मैं कह सकता हूँ किसी प्रोजेक्ट के ऊपर एक बड़ा सा मैं काम कर रहा हूँ तो एक स्क्रिप्ट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, जो कि आगे चल के तुम उसे कोई मूवी टीवी सीरीज कॉमिक मांगा टाइप ऐसे कुछ इमेजिन कर सकते हो, जहाँ मैं बहुत डिटेल में उसके बारे में तो नहीं बता सकता क्योंकि अभी भी मैं उसके ऊपर काम कर ही ना हूँ, पूरी फ्लैश आउट होके भी नहीं निकली हुई है, मगर मोटी मोटा हिसाब यही है कि ह्यूमन इमोशंस को लेकर बीच में मैं काफ़ी फैसिनेट हो गया था एंड उसी के ऊपर कहानी होने वाली है, जो कि आई स्टिल डोंट नो कि उसे मैं कैसे रिलीज़ करूँगा, किस फॉर्म में करूँगा, मगर करूँगा ज़रूर, अभी भी काम कर ही रहा हूँ उसके ऊपर, जो कि इतना रियल होना भी मुझको पसंद नहीं है क्योंकि दिल काफ़ी बैठ सा जाता है आपका, मगर आप सब जानते ही हो कि मैं वो स्क्रिप्ट वाला बंदा हूँ, अभी भी स्क्रिप्ट ही देख के मैं इसके बारे में बोल रहा हूँ क्योंकि भाई वो फ्लो बिगड़ना नहीं चाहिए ना, वरना कुछ चीज़ें पहले बोलूँगा कुछ चीज़ें आखिरी में बोलूँगा फिर एडिट करने में काफ़ी परेशानी हो जाती है। खैर आप ये बातें समझ ही सकते हो, अगर आप डिज़र्व करते हो मेरे बारे में जानना कि एक्चुअली मैं उस परफॉर्मेंस से हट के
मैं क्या करता हूँ। अभी भी बहुत कुछ नहीं बताया मैंने आपको, एंड आई थिंक वो जब शर्म जाएगी या हालात सही होंगे तो आपको मेरे बारे में और पता चलेगा। बट आई डोंट थिंक कि तुमसे अच्छी ऑडियंस में मुझे कहीं भी मिल भी सकती थी। जो गलतियाँ करता हूँ उस पर डांट भी पड़ती है, क्रिंज होता हूँ तो तुम लोग बताते भी हो, एंड जब कभी कभी मस्ती मजाक में कुछ उल्टी सीधी चीज़ें बोल देता हूँ, क्योंकि यही फील भी होता है वीडियो अपलोड करने के बाद कि नहीं इतना तो नहीं बोलना चाहिए था, उसमें तुम माइंड नहीं कर, उसके लिए भी बहुत बड़ा थैंक यू। ये काफ़ी नहीं होगा मैं जानता हूँ, मगर बहुत 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 सारा थैंक यू। खैर, इसके बाद मिलेंगे एक और सी परफॉर्मेटिव बड़ी सी वीडियो में, जहाँ पे आप सबका दिल जीतने का एक और बार कोशिश करेंगे। मेरे पास वर्ड्स नहीं है बताने के लिए कि तुम लोग कितना मैटर करते हो मेरे लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। व्हाट आर यू डूइंग? ओह, दिस इज नाइस।